तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 15 सबसे कम बिकने वाले गाड़ियों के बारे में, 15 लिस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। 15th पोजीशन पर है रेनो की काइगर, जिसकी 1568 यूनिट सी बिकी है मार्च में। काइगर एक बेहतरीन गाड़ी है, वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करता है, फिर भी इसकी बिक्री ज़्यादा नहीं हो पाती है बॉस। अब वो क्यों है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। 14th पोजीशन पर है रेनो क्विड, जिसकी 1283 यूनिट सी बिकी है मार्च में। एक वक्त था जब क्विड ऑल्टो जैसी गाड़ियों को डायरेक्ट कंपटीशन दिया करती थी, लेकिन अब ये 14 लिस्ट सेलिंग कार है। 13th पोजीशन पर है एमजी की अस्टर, जिसकी 1151 यूनिट सी बिक पाई है पूरे भारत में। 12th पोजीशन पर है सिट्रन की C3, जिसकी 1075 यूनिट सी बिकी है पूरे भारत में। इसकी इतनी बिक्री होना जायज़ है, कंपनी इसे आधा अधूरा छोड़ दिया है, कुछ फीचर्स इसमें दिया नहीं है, तो लोग भला इसे क्यों ही खरीदें। 11th पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन, जिसकी 581 यूनिट सी बिकी है मार्च में पूरे भारत के अंदर। टूसॉन का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के बाद ही इसमें सेल्स की थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है हमें। 10th पर है महिंद्रा मराजो, इसकी 490 यूनिट्स बिकी है मार्च में पूरे भारत के अंदर। इस महीने इसकी सेल्स काफ़ी अच्छा रहा है, नहीं तो ये 100 के आसपास ही लटक के रह जाती है हर बार। उसके बाद 9th पर है जिप कंपस, जिसके 395 यूनिट्स बिकी है मार्च में पूरे भारत के अंदर। नंबर 8 पर है सियाज, जिसकी 300 यूनिट्स बिकी है मार्च में। सिरन का मार्केट अब नहीं रहा तो इसकी इतनी बिक्री होना जायज़ है। 7th पोजीशन पर है जीप मेरिडियन, जो कि 7 सीटर कंपस है। इसकी 285 यूनिट सी बिक पाई है बड़ी मुश्किल से। 6th पोजीशन पर है एमजी ग्लॉस्टर, जिसकी 247 यूनिट सी बिकी है मार्च में। ग्लॉस्टर एक बेहतरीन गाड़ी है, पर इसने कभी भी अपनी डायरेक्ट राइवल टोयोटा फॉर्च्यूनर को टक्कर नहीं दे पाई है बॉस। नंबर 5th पर है हाइलक्स, जिसकी 223 यूनिट्स बिकी है पूरे भारत में। एक ओवर प्राइस्ड पिकअप ट्रक होने के बाद भी इसकी इतनी सेल्स होना काफ़ी बड़ी बात है। उसके बाद 4th पोजीशन पर है किया कार्निवल, जिसकी 168 यूनिट्स बिकी है मार्च में। किया ने काफ़ी कोशिश की है इसकी सेल्स में इम्प्रूवमेंट लाने की, एक से बढ़कर एक ऑफर दिया, फिर भी इसकी सेल्स पर कुछ असर नहीं पड़ा। 3rd पोजीशन पर है फॉक्सवैगन की T1, ये एक प्रीमियम 5 सीटर SUV है, पर जिस प्राइस सेगमेंट में ये मिलता है वो काफ़ी ओवर प्राइस्ड है। मार्च के महीने में इसके 132 यूनिट से सिर्फ बिक पाई है। उसके बाद 2nd पोजीशन पर है सिट्रन की C5 एयर क्रॉस, जिसकी 52 यूनिट्स बिक पाई है मार्च में। ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद से आज तक इस लिस्ट से बाहर नहीं निकल पाई है और ना ही निकल पाएगी, क्योंकि जिस प्राइस में ये मिलता है वो काफ़ी ओवर प्राइज्ड है और ठीक ठाक फीचर्स भी नहीं मिलता है इसमें, तो लोग भला क्यों ही खरीदे इसे। और अब बात करते हैं सबसे कम बिकने वाला गाड़ी के बारे में, तो वो है होंडा की WRV, जिसकी 3 यूनिट्स बिकी है मार्च में पूरे भारत के अंदर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।